तो यही दोनों है जिन लोग का पीपीटी अभी, तो देखते हैं ये लोग का भी पीपीटी। Yeah.
अपने प्रिंट को दे
बाद पैकेज सी बोलते हैं सिंपल फोल्डर की तो नाम बहुत सारा फोन आप रख सकते हैं। और बेनिफिट ऑफ पैकेज, जब आप पैकेज बनाते हैं तो बहुत सारा क्लास होता है, आप उसको दूसरे प्रोग्राम में उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, तो उसमें कोड आपको उसमें आप मेथड बनाए होंगे, उसमें आपका उसका इम्प्लीमेंटेशन उसका तो क्या उसमें कंट्रोल एरिया प्रोवाइड करता है कंट्रोल उसमें, ताकि वो अगर आप किसी फ्रेंड को दे रहे हैं ताकि वो मेरा जो एल्गोरिथम है वो देखना पाए, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए जावा इंट्रोड्यूस करता है पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, और एक अलग से आता है ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड आता है जहाँ आता है बाई डिफॉल्ट आता है। तो इसमें से अगर आप अगर पैकेज को या पैकेज बना रहे हो तो अगर क्लास को अगर पब्लिक रखते हैं तो वो जो पैकेज है उसको बाहर से मतलब अगर दूसरे पैकेज से भी एक्सेस किया जा सकता है, अगर आप उसको प्राइवेट रखते हैं तो क्लास के अंदर अगर वो एक क्लास के अंदर दो मेथड है तो उसी मेथड के अंदर आप उसको एक्सेस कर पाएंगे, अगर वो प्रोटेक्टेड है तो आप उस पैकेज के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं, और प्लस अगर क्लास से को अगर इनहेरिट करें क्लास को तो वहाँ भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप ये प्राइवेट प्रोटेक्टेड बनाते हैं तो उससे क्या होगा सिर्फ सब क्लास में आप एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अगर एक क्लास है जैसे कि एक आरिफ ने बताया था जो मल्टी लेवल वाला तो वहाँ पर काम आता है आपका प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जहाँ पर सिर्फ आप एक क्लास का इनहेरिट किया एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं उसमें आप उसको प्राइवेट प्रोटेक्टेड से मेथड एक्सेस कर सकते हैं, और अगर और क्लास में आए तो वहाँ एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक जितना बताया तो हम लोग पैकेज में ओनली और ओनली क्लास को ले सकते हैं, राइट? अभी तक जो बताया उसमें पहले क्लास ही बन सकते हैं पैकेज बता रहे पूरा डेफिनेशन अधूरा है बता रहे और टाइप्स ऑफ पैकेजेस जावा में दोनों टाइप के पैकेजेस होते हैं, ये होता है जो कि जावा तुरंत प्रोवाइड करता है जबकि उसका नेटिव नेटिव में रखा हुआ था पहले से, ये होता है कि यूजर यूजर मतलब डेवलपर। मेरा क्वेश्चन क्या शुरू होता है मेरा क्वेश्चन है कि पैकेज में क्या क्या चीज हो सकता है? सर पैकेज में क्लासेस बना सकते हैं जितना बहुत सारे क्लासेस बना सकते हैं क्लासेस और पैकेज कीवर्ड यूज करके उसको बनाया जाता है, जैसे अगर पैकेज का नाम अगर निर्दिष्ट करते हैं तो पैकेज उस पैकेज का नाम रखते हैं और उसमें क्लास को डिफाइन करें, क्लास में जो नंबर है एक मेंबर मेंबर वेरिएबल लेते हैं और मेथड लेते हैं उसको बताते हैं उसको उसमें पब्लिक और जो क्लास का नाम रखो उससे सेव करना है ताकि उसको बाद में मिल सके। आउटपुट
मतलब अगर आप यूजर से जब डाटा ले रहे हैं उसको प्रोसेस कर रहे हैं तो आप आईओ को एक्सेस कर सकते हैं। और डब्ल्यू पी ये आपका एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का क्लास है जहाँ पर आप मेन्यू बना सकते हैं, विंडो बना सकते हैं, ये सारा चीज़ जावा प्रोवाइड करता है। फिर एक है जावा डॉट नेट, इसमें सारे इंटरनेट के काम होते हैं। अगर आप अपना सॉफ्टवेयर को अगर सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर बैकेंड से अपना डाटा लाना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में तो वहाँ पे ये डॉट नेट जो है वो आपका रन कर सकता है, वहाँ से सारा कोड आप ले सकते हैं या उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। फिर एप्लेट है, ये भी आपका ये अभी नहीं आया ज़्यादा टाइम के लिए, इसमें आपको अभी जो आज मतलब कि मॉडर्न वाला विंडो इसमें मिलता है, मतलब कि आप ब्रिटिश वाला विंडो मतलब नी स्टार वाला मेन्यू, टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल और स्टेटस बार मतलब जिससे आप एक विंडो देखते ही हम तो वो सारा आपको एप्लेट मिल जाएगा। फिर एक आते हैं जो एक डेवलपर बनाता है यूजर डिफाइंड, मतलब अगर आपके पास बहुत सारा प्रोग्राम हो गया आप उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं, इससे पहले बता सकते हैं और आप क्लाइंट को देना चाहते हैं, या फिर अगर आप पहले एक प्रोजेक्ट बना चुके हैं आप डेंगी प्रोजेक्ट बना रहे और उसका पिछला आप प्रोग्राम उसके यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट, तो आप उसको एक पैकेज बना के रख सकते हैं जिसे सिंटैक्स दिया हुआ है। अगर आप पैकेज बनाना चाहते हैं तो पैकेज एक कीवर्ड है और पैकेज का नाम, और जब आप पैकेज सेव करते हैं तो एक पैकेज बहुत सारे क्लास हो सकते हैं, मल्टीपल क्लास होते हैं, आप सेव करने के लिए पहला क्लास उसका पब्लिक होना चाहिए और जिस क्लास का जो नाम है उसी नाम से वो पैकेज को सेव करना होगा। यहाँ पे हम एक नॉर्मल हम एक पैकेज बना कर रखते हैं उसको हम सब करते हैं काम करते हैं। इसके अंदर आप पैकेज पैकेज का नाम है लेन एलियन, इसके अंदर जैसे एक नेम है नेम जावा फाइल है और उसका एक क्लास फाइल बना हुआ है कंपाइल करना होगा, उसे हम पहले कंपाइल करके रखेंगे और एक सीरीज है और एक वो टेबल का लिखा देते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है जैसे नेम है नॉर्मली जैसे पैकेज का नाम है लेन और सेव करने के लिए क्लास का क्लास जो पब्लिक करते हैं और मेथड भी आपको कॉपी करना होगा ताकि उसको दूसरे पैकेज पे एक्सेस कर सकें। और एक सीरीज है ये इसका भी वही पैकेज लेन में रहेगा और क्लास इसका पब्लिक है और मेथड जो है ये पब्लिक मेथड है और प्लस ये एक आर्गुमेंट देगा, आर्गुमेंट लेगा उसके बाद जो आर्गुमेंट देगा उसको प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा। अरे इसमें लास्ट में टेबल इसमें आप यूजर जो भी नंबर देगा उसका टेबल इसको मिल जाएगा, जैसे कि ये कोड लिखा हुआ इसमें भी मैथड को पब्लिक रखा गया और ये एक आर्गुमेंट देगा यूजर से, मतलब ये कोड का मतलब ये मैथड आर्गुमेंट देगा। और एक लेन पैकेज के अंदर एक और पैकेज बनाया है आर्क, आप पैकेज के अंदर बहुत सारा पैकेज बना सकते हैं, आर्क के अंदर और भी सारा पैकेज बना सकते हैं, जैसे एक पैकेज डॉट है कि जैसे लेन है डॉट है डॉट है मतलब आप दिखाए जैसे लेन के अंदर तीन क्लास
जाते हैं सीरीज कोई सीरीज बुलानी हो और सीरीज वहाँ पर जितना होता है जाते हैं सीरीज भी आएगा। फिर यहाँ पर वो जो जावा को प्रोवाइड करता है इम्पोर्ट जावा होता है, ये आप जावा प्रोवाइड करते हैं उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सिस्टम क्लास के यूज करते हैं। तो इसको आप जो सिंपली आप ऑब्जेक्ट बनाए यहाँ पर जैसे नेम जो मेरा क्लास था उसका ही ऑब्जेक्ट बनाया है नेट और उसके बाद सीरीज का ही ऑब्जेक्ट बनाया है टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया। आप देख सकते हैं इस कोड में कहीं भी मतलब जो सीरीज है उसका कोड आपको नहीं मिलेगा, बस हम उसका इम्पोर्ट कर रहे हैं उस क्लास को और उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा है उसको यूज कर। तो आप इसके प्रोग्राम को मैं रन करते हैं उसके बाद देखते क्या होता है। जैसे आप लिखा हुआ डिस्प्ले उसके बाद एक रजिस्टर नंबर लेंगे सीरीज को प्रिंट करने के लिए और इसको वो वही डॉट डी को पास करेंगे उस वैक्टर का नाम होगा। उसके बाद एक टेबल प्रिंट करने के लिए उसके सीरियल से नंबर लेंगे और इसको फिर से पास करेंगे ताकि टेबल प्रिंट करें इसको बना करके देखते हैं। तो सी एम डी एम को देने यहाँ से और हम ई ड्राइव में जाएंगे मेरा फाइल ई ड्राइव में तो वहाँ से देंगे और देखेंगे फाइल इससे फाइल यहाँ पे इस डॉट जावा से कंपाइल करेंगे। ये जो जावा सी है ये जावा का कंपाइलर है, इसी से आपको कोई भी अगर आपका सोर्स फाइल है तो आपको अगर इसको कंपाइल करना है तो जावा सी डॉट को यूज करना होगा, ये कंपाइलर है। और इस डॉट जावा ये मेरा फाइल है उसमें सारा कोड लिखा हुआ था और उसको कंपाइल करेंगे। एक डॉट क्लास फाइल बना हुआ मेरे फाइल में जहाँ पर सेव है इस डॉट क्लास ये होगा ये क्लास अभी बनाना जब हम कंपाइल की प्रोग्राम करेंगे। अब इस फाइल आप इसको रन करते क्लास फाइल को ये जो है जावा का ये इंटरप्रेटर मतलब जावा का जेवीए उसी से जो है जावा फाइल जो है क्लास में जो है मैसेज दिए थे किसी भी माए कहते हैं तो उसका मैसेज आ रहा है ये हम पूछना है आई कैन नेवर बना सकता आप बना सकते हैं मेरे प्रोग्राम में जो हमने अभी बनाया वो एक्सेस हो रहा है मतलब दिया हुआ था वो भी आ रहा है वो भी आ रहा है और एक काम पर इनकी मांग रहा है तो एक आदमी मेरे पास करेंगे तो हमने आपके पास करेंगे एक सीरीज प्रिंट करेगा नंबर 1 to 100 तक एस आर सी को मतलब होता है सोर्स सोर्स जावा के जितना सारे सोर्स
जैसे आपका अगर इंडिया एक्सपी देखना होगा
इसका जो विंडो खुलता है वो कैसे लगता है, फोल्डर से अगर ये आप अगर चीज ट्रांसफर करें तो इसका आपको बहुत अलग लगता है, पर आप ही जब आप एक विंडो या अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो अलग तरीके से आता है। तो वो सारा जो है वो 1990 से लेकर आप ही लेते हैं, उसके लिए आपने लाया गया और सिम लाया गया कि अपनी नॉर्मली क्या लोग इसी के यूज़ करते हैं, सिम बहुत कम यूज होता है उतना यूज देखते हैं।
पर कंडीशन ये है कि जब भी आप उस पैकेज को बुलाना है आपको प्रोग्राम में, तो आपको लिखना होगा उस पैकेज का नाम, जिससे अगर मेरा पैकेज का नाम है लेन, तो लेन जैसे इम्पोर्ट, इम्पोर्ट एक कमांड है जो कि हमारा इम्पोर्ट करता है, लेन डॉट एस्ट्रिक डॉट, फिर आगे फर्दर में अगर आपका जो भी नाम रखते हैं, मतलब मान लेते हैं नीतीश रखे तो नीतीश डॉट, अगर आरिफ है तो आरिफ है, अगर संत है तो संत, उसके बाद तो अगर क्लास अगर क्लास अगर कितनी क्लास बनाना चाहते हो, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक क्लास बनाया है मेरा नाम है नीतीश, तो आप सीधा नीतीश को ही बुलाना चाहते हो तो नीतीश लिखना होगा। अगर आप उस क्लास के जितना भी अगर संत फोल्डर नाम है, अगर संत के सारे क्लास को अपने प्रोग्राम में बनाना चाहते हैं, तो आपको एस टी लगाना, आपके प्रोग्राम में सारा क्लास नाम लगा है, और आप किसी को भी एक्सेस कर सकते कहीं से पूरे जावा में, अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको कहीं जैसे कि हमको बताया कि पैकेज में सिर्फ हम पब्लिक ही नहीं सकते, हम उसको प्राइवेट भी नहीं सकते, पब्लिक यूज कर सकते हैं और प्राइवेट भी नहीं यूज कर सकते। देखिए अगर सिंपल जवाब दें तो पैकेज बनाने का मेन मेन मोटिव होता है कि उसको दूसरे को देना है, या तो किसी भी अदर पाइपलाइन को यूज करना, अगर उसको क्लास को प्राइवेट कर देते तो उसको एक्सेस नहीं कर सकते, सिंपल बात है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। अगर पब्लिक लीजिएगा तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हो, दूसरे प्रोग्राम में या फिर दूसरे फाइल में कहीं भी आप कर सकते हैं, उसमें जाओ और डबल में कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। दूसरा क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा है ना, प्राइवेट का जो विजिबिलिटी कोड होता है वो विदिन द क्लास होता है, एक ही क्लास का होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये क्या है, जो एक साथ यूज कर सकते हैं जब एक से ज़्यादा क्लास को अगर हम पैकेज के अंदर डाल रहे हैं तो वहाँ पे हम ये एक्सटेंस और इम्प्लीमेंट ये दोनों यूज होगा ना, आप इंटरफेस बना रहे हैं वहाँ पे आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं, एक एक्सटेंड हो गया एक इम्प्लीमेंट हो गया, हाँ ये दोनों का कब हम यूज कर सकते हैं जैसे आगे का भी एक प्रोग्राम बताया था यहाँ पे, जैसे नॉर्मली आप सी प्लस प्लस में मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हैं, पर जावा ऐसा आपको प्रोवाइड नहीं करता, जावा आपको इसको इस चीज़ को इंक्रीज करने के लिए इंटरफेस की वर्डियस इंक्रीज करता है और एक एब्स्ट्रैक्शन, तो आप जैसे किसी क्लास में इनहेरिट करते हैं, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है आपको, इंटरफेस की वर्ड भी यूज करना है तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। और फिर अगर सेम आदि से आप दूसरा आपको सवाल है कि अगर सेम क्लास के अंदर हम किसी एक्सटेंड भी और एक इम्प्लीमेंट भी, इम्प्लीमेंट जो स्टूडेंट है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस पर ही किया जाता है, वो आपका मल्टीलेवल और सिंगल इनहेरिटेंस यूज नहीं होता। एक प्रोग्राम आपको दिखा देते हैं जिसे आगे में बनाया था पब्लिक प्रोग्राम, ये यहाँ पे जो ये मल्टीपल देख सकते हैं आपका मल्टीपल में इंटरफेस दिया गया है, मल्टीपल जब भी आपको जावा यूज करना है तो आपको इंटरफेस करना होगा, बिना इंटरफेस का नहीं करते आप प्रोवाइड ही करते हैं, जैसे यहाँ पर पब्लिक क्लास मोटर का इम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पर सुनीत क्लास बनाया गया, कोई क्लास बनाया गया उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, क्योंकि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया यहाँ पर यूज होगा। और यहाँ पर एक इंटरफेस जब भी बनाते हैं तो इंटरफेस क्लास में हम जो भी मेथड रखते हैं उसको डिफाइन नहीं करते, जो भी होगा वो कोड आपका रखना चाहिए। चलो ठीक है। Good morning to all the present guests. Yes, sir. Good morning.
डियर फ्रेंड्स, ये इतना ये जो है हमको हमको चाहिए, ये तुम लोग का क्या होगा, तुम लोग वहाँ पर रहोगे जहाँ पर सबको बैठे रहोगे, बैठे रहेगा वहाँ पर दुकान वालों का इसी से तुम लोग का जो है तुम लोग स्पीकर से आए, ये जिस भारती के बोल रहे हैं हम इसको क्यों जा रहे हैं, मगर ये पहले देखो कि कौन लोग बैठे हुए हैं, कैसे क्या बोलना है, वो चीज़ कर दे। स्टार्ट होने से पहले हम लोग स्टार्ट की पहले से डिस्कस करना है, पहले तुम्हारा टॉपिक क्या है, इनहेरिटेंस है ना, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस के बारे में जितना पहले समझाओ कि सबको यहाँ पर समझ है कि इनहेरिटेंस होता क्या है। तुम लोग बोले थे कंटेंट भी लिखा करो, जो कंटेंट दे रहे हो इनहेरिटेंस का डेफिनेशन क्या है, इनहेरिटेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो तो दिया है प्रोग्राम में बनाया है, मगर प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने से पहले इनहेरिटेंस के बारे में बताओ अच्छे से, इनहेरिटेंस को अच्छे से एक्सप्लेन करो, इनहेरिटेंस कितने टाइप्स का होगा वो एक्सप्लेन करो, तब वन बाय वन प्रोग्राम में आओ। ये बेस्ट प्ले है प्रेजेंटेशन का। तुम लोग स्टार्ट हो तो डायरेक्ट अगर कोई मतलब ऐसे आदमी बैठा हुआ है उसको इनहेरिटेंस का समझ में आएगा कि डायरेक्ट प्रोग्राम आ गया। तो सबसे पहले क्या करो कि इनहेरिटेंस है उसको शुरू से लेकर क्लास तक पहले एक क्या कर सकते हो, हाँ ब्रीफ में तुम उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, पहले एक्सप्लेन कर दो कि होता क्या है, ये जावा का पार्ट है कि सी प्लस प्लस का पार्ट है कि सी का पार्ट है, क्या है इनहेरिटेंस, किसका कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, किसके लिए बेनिफिट है इनहेरिटेंस का, यूज कहाँ होता है इनहेरिटेंस को, कैसे क्यों लेते हैं सी में, क्यों नहीं लेते हैं सी प्लस प्लस में, क्यों लेते हैं जावा में, क्यों लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, संक्षेप में बताओगे तो बताएगा, लेकिन डायरेक्ट आगे आगे इसलिए बोले कॉन्सेप्ट को लिखो और उसको एक्सप्लेन भी करो, इससे क्या होगा तुम कोई भी डाउट किसी को नहीं रह जाएगा, पता है कि ये प्रॉपर्टी है किसका को पूछ रहा है, वन लाइन में बोल सकते हो, बोल सकते हो मतलब क्या खबर को सोच नहीं पाएगा, इसलिए मैं प्रेजेंटेशन दे तो इतना बेसिक से बनाओ कि अगर कोई नया आदमी बैठे तो वो समझ जाए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तुम डायरेक्ट रिलेटेंस का ठीक है बताया प्रोग्राम में आ गया, अगला समझ पाएगा कि रिलेटेंस होता क्या है, इनहेरिटेंस को डेली लाइफ से कनेक्ट करो, डेली लाइफ से कनेक्ट करने का मतलब क्या है, इनहेरिटेंस क्या है कि फादर की प्रॉपर्टी चाइल्ड मान के फादर का जो प्रॉपर्टी वो कंटेन करता है ग्रैंड फादर का, तो ये एक इनहेरिट होता है, इसको जनरल टाइप से यूज करो, कनेक्ट करो, तब एक्सप्लेन करो फादर को समझ में आएगा इनहेरिटेंस होता क्या है, वही इनहेरिटेंस है जो हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है, तो इतना एक्सप्लेन करो उसके बाद प्रोग्राम में आओ, प्रोग्राम में ठीक है तो बता रहा प्रोग्राम में कॉन्सेप्ट ठीक है, मगर जो बैठा हुआ है उसको 90% नहीं समझ में आया, कम से कम 20% को समझ में आ गया कि इनहेरिटेंस पढ़ा रहा है, और ये उसका कॉन्सेप्ट है, हम डांट के लिए समझा रहे हैं, मेहरबानी करो कि अपने आप को ऐसा करो कि ये कहाँ से आया, कैसे लिंकेज हुआ, ये तुम लोग देर काम करना कुछ काम नहीं, हाँ ठीक है समझ में आ गया, ठीक है।